तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उसका कोन को हासिल करने के लिए तीनों मेजर फैमिलीज वहां पर पहुंच जाती हैं और उन तीनों फैमिलीज के एल्डर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे, बल्कि वो लोग यंगर जनरेशन को ये मौका देंगे कि वो लोग ये डिसाइड कर सकें कि ये ककून किस फैमिली के पास जाएगा। उसके लिए वो तीनों के तीनों अपने सबसे काबिल डिसाइपल को चुनते हैं जो कि दूसरी फैमिली के डिसाइपल के साथ फाइट करके उस ककून को हासिल करेगा। उसके लिए वो लोग अपने बेस्ट डिसाइपल को चुनते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एक बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं, जिसमें वो लोग एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपनी सबसे पावरफुल फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल किया था, मगर अचानक से देखते ही देखते वो ककून एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा वाइंस बाहर निकलती हैं जो कि चारों तरफ फैल जाती हैं और वो वाइंस जिस भी डिसाइपल को पकड़ती हैं उसे पूरी तरह से इरेज कर देती हैं। ये देखते ही वो सारे के सारे वहां से भागकर जान बचाने की कोशिश करते हैं और एल्डर जी होंग कहता है कि हम लोगों को इसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बनानी होगी ताकि हम लोग बाकियों को बचा सके। ये कहने के बाद एल्डर जी होंग और बाकी दूसरे मास्टर्स उस ककून की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर्स उन वाइन से बचते हुए उस ककून के बेहद करीब चले जाते हैं और उस पर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, मगर उनके अटैक्स उन वाइन को नहीं रोक पा रहे थे, जिसके बाद वो एल्डर्स एक साथ मिलकर भी उस पे अटैक करते हैं मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। जिस पर एल्डर जी होंग कहता है कि इस सीनियर की पावर हमसे बहुत ही ज्यादा है, मेरे ख्याल से हम लोग इसे रोक नहीं सकते, हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो वायन जिन भी डिसाइपल्स को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है तो उस सेक्ट के सीनियर डिसाइपल अपने जूनियर्स को बचाने के लिए अपनी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ साथ अपनी फॉर्मेशंस का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से वो उन सबको उन वायन से बचाते हैं। और हमें एल्डर जियांग फैमिली के जीनियर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए अपनी पूरी स्पीड के साथ उन लोगों को उन वायन से बचाकर किसी सेफ जगह पर ले जा रहा था। और वहीं पे हम लोग जी फैमिली के हाउ यू को भी देखते हैं, वो भी अपनी वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी से वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स थे उन सब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा होता है। और अगले सीन में हमें जीयू को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पे डिसाइपल्स की मदद करने के लिए पहुँच जाती है और सभी लोगों से कहती है कि तुम सब लोग मेरे साथ चलो। ये कहते ही वो उन सब लोगों को एक पोर्टल के जरिए वहाँ से टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पहुँचा देती है, मगर एक वाइन तेजी से उसकी तरफ आती है जो कि आकर उसे पकड़ लेती है, जिस पर जीयू बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसे लगा कि शायद वो अब नहीं बचने वाली, वो वाइन उसे तेजी से खींच रही थी, मगर इतने में अचानक लियो की वो गोल्डन स्क्रिप्चर उस वाइन को काट देती है और जीयू जैसे ही नीचे गिर रही होती है तो लियो उसे फौरन से कैच कर लेता है और फिर उससे कहता है कि तुम यहाँ पे इन लोगों के बीच में क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे खतरा है। मगर जी उससे कहती है कि तुम अभी भी मुझे सुना रहे हो, ये बात मुझे तुम्हें कहनी चाहिए थी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना, ये लोग तुम्हें देखते ही मार डालेंगे। मगर लियो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था मगर तुम नहीं आई, जब मैंने तुम्हें इस हाल में देखा तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ी। ये कहने के बाद अचानक हम देखते हैं कि एक वाइन लियो को आकर लिपट जाती है, जिससे वो उसे अपनी तरफ खींचने लगती है तो जीयू उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना शुरू करती है, मगर जीयू अपना पूरा जोर लगाकर भी लियो को उस वाइन से नहीं छुड़ा पा रही थी, जिस पर उसे डर लगने लगा था कि शायद अब लियो मरने वाला है। और दूसरी तरफ लियो वो उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता था, मगर वो वाइन उसे जैसे तैसे करके जीयू के हाथ से छुड़ाकर खींच लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियो के साथ साथ बहुत सारे डिसाइपल उस ककून की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं। इतने में फिर लियो उस ककून की तरफ देखता है तो वो कहता है कि इसमें एक स्पेल मिसिंग है, जिसके बाद उसे याद आता है कि एल्डर ने उस गुफा के अंदर एक टियानशुआन स्पेल बनाया था, वो स्पेल मुझे इसके चारों तरफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये वाइंस उस मिसिंग स्पेल की वजह से बाहर निकल रही हो, मुझे एक मरतबा ट्राई करके देखना चाहिए। ये कहने के बाद लियो अपनी डिवाइन पावर की मदद से एक टियानशुआन स्पेल क्रिएट करके सीधा उस ककून की तरफ जैसे ही भेजता है तो हम देखते हैं कि वो ककून बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और उसकी वाइंस पूरी तरह से गायब हो जाती हैं और वहाँ मौजूद डिसाइपल्स भी बच जाते हैं। जिसके बाद लियो देखता है कि उस ककून से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लगी है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास की हर एक चीज को उड़ा कर रख देती है, उसके आसपास कोई भी नहीं ठहर पा रहा होता क्योंकि वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ लोगों को उठाकर दूर फेंक रही थी। लियो किसी तरह खुद को होल्ड कर रहा होता है क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। और फिर वो देखता है कि अचानक से उस ककून से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होकर आसमान की तरफ चले जाती है और इतने में वो ककून भी वहां से निकलकर कहीं चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ककून के जाते ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और सारे ही डिसाइपल्स फिर से खड़े हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस ककून की एनर्जी ने आसपास के पहाड़ों तक को पूरी तरह से काट कर रख दिया था। और वहीं पे हमें एक सीनियर डिसाइपल को भी दिखाया जाता है जो कि उस ककून को
देखने के लिए आती है और इतने में वो यंग प्रिंस वो लियो को देखकर कहता है कि ये लड़का कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वो जीनियस वॉरियर उस यंग प्रिंस से कहता है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो यंग प्रिंस कहता है कि क्या तुम्हें किसी का एनकाउंटर करना है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियो को वो सब लोगों की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था और चारों तरफ से वो तीनों मेजर फैमिली सिर्फ उसी को ही देख रही होती है। ये देखकर लियो समझ जाता है कि अब वो बुरी तरह से फंस गया है। इतने में एल्डर जी होंग उसी जगह पर आ पहुंचता है जहां से वो ककून गायब हुआ था। एल्डर जी होंग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस ककून को ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी एनर्जी पूरे टियान शुआन में फैलना शुरू हो जाती है, जिस पर एल्डर कहता है कि आखिर वो ककून गया तो कहां गया, मैंने पूरा टियान शुआन छान मारा है मगर कहीं भी मुझे उसकी ब्रीथ फील नहीं हो रही, आखिर वो कहां जा सकता है। और दूसरी तरफ लियो कहता है कि अच्छा है कि सीनियर वहां से चला गया मगर वो सिल्वर स्टोन वो अभी भी बिल्कुल सेफ है, मगर शुक्र है कि इनमें से कोई भी शख्स मुझ पर गुस्सा नहीं हो रहा। ये कहने के बाद वो जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है तो वो यंग प्रिंस उससे आकर कहता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम यहां पर क्या कर रहे थे और उस ककून के साथ तुमने क्या किया। तो लियो अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या मैंने कुछ किया है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, जिस पर वो यंग प्रिंस कहता है अच्छा तो तुम मुझसे छुपाओगे, मैंने क्लियरली तुम्हें देखा था, तुमने टियान शुआन फॉर्मेशन क्रिएट की थी। जिस पर लियो कहता है कि मैं कोई टियान शुआन पैटर्न क्रिएट कर ही नहीं सकता, मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह की फॉर्मेशन की बातें कर रहे हो, मुझे कहीं काम से जाना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम जाया नहीं करना चाहता। ये कहते ही वो जैसे ही जाने लगता है तो अचानक वहाँ मौजूद एक सीनियर डिसाइपल उसे पकड़ लेती है। वो अपने स्पिरिचुअल थ्रेड्स का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से लियो की बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाती है और लियो अपनी मर्जी से मूवमेंट तक नहीं कर पाता। और वो लड़की लियो से कहती है कि लिटिल ब्रदर तुम जब से यहाँ पर आए हो तब से मेरी तुम पर नजर थी, मैंने वो सब कुछ देखा है जो कुछ तुमने यहाँ पर किया है, मुझे बताओ आखिर उस सीनियर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो लियो कहता है कि टियान शुआन के साथ मेरी बस एक मरतबा ही मुलाकात हुई थी और वो भी लकली हम लोग कहीं पर मिल गए थे, इसीलिए मेरी उनके साथ थोड़ी सी बातचीत हुई थी, इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता और न ही उन्होंने मुझे कभी कुछ ऐसा बताया है कि जिससे मुझे कभी कुछ फायदा हुआ हो। हाँ मगर एक मरतबा उन्होंने मुझे एक खतरनाक जगह से बचाया था तो इसलिए उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर वो लड़की लियो को खड़ा करती है और उससे कहती है कि मुझे ये बताओ कि वो एल्डर इस वक्त कहाँ होगा। तो लियो कहता है कि वो सीनियर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा है इसलिए मैं नहीं जानता कि वो कब और कहाँ पे जा सकता है, मैं एक यंगर जनरेशन का डिसाइपल हूँ जो कि बहुत ही वीक है, इसीलिए मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो एल्डर इस वक्त कहाँ होगा। ये कहते ही वो जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो अचानक से उसकी बॉडी फिर से वहीं पे रुक जाती है, फिर से कोई और उसे कंट्रोल करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हाउ यू आ जाता है जो कि लियो को पकड़कर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स के बीच में दबा देता है। और हाउ यू वहाँ मौजूद डिसाइपल से कहता है कि मुझे इस लड़के के बारे में कुछ जानना है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि ये कौन से सेक्टर डिसाइपल है, इसलिए मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो अपनी सिस्टर से कहता है कि चलो बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम भी यहीं पे हो, ये बंदा काफी देर से तुम्हारे बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था, मुझे इसके बारे में बताओ। तो जियो वहाँ पर आती है और वो कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये लड़का मेरे बहुत ज्यादा करीब था मगर किसी ने इसकी पावर्स को पूरी तरह से सील कर दिया था जिसकी वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकला है, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का टियान शुआन के किसी तरह के मैजिक स्पेल को यूज कर सकता है। ये बात सुनकर हाउ यू को भी गुस्सा आता है मगर इतने में जियांग फैमिली का मास्टर कहता है कि चलो बस ठीक है, यह मसला यहीं खत्म कर दो। वैसे भी जी फैमिली की एक कोर मेंबर ने यह बात कह दी है कि ये लड़का बेकसूर है तो फिर ये लड़का बेकसूर है, इसलिए इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो ककून कहाँ गया है, हमें उसके बारे में मालूम करना है, अगर तुम्हें अपना टाइम इस लड़के पर वेस्ट करना है तो तुम यहीं पे ही रहो। ये सुनते ही हाउ यू फौरन से लियो को छोड़ देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।